तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग अपने क्वेश्चन पेपर का पूरा मिलान कर लो। जैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था, वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आया है। फिर भी एक बार आप लोग मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पता चल सके कि आपके कितने नंबर के इसमें से सही हुए हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का ये अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर जैसा मैंने आपको बताया था वैसा का वैसे ही आपका परीक्षा में पूछा गया है। तो चलेगा, जल्दी से आप लोग इस पेपर का मिलान कर लो, ताकि आप सभी लोगों को पता चल सके कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में पूछा गया था। सबसे पहले आप लोग यहां से देख लो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा गया था, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। आप सब लोग यहां से इसको देख लो, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहां से आप सब लोग इसको देख लो, एज माई ट्रेन, देखिएगा ये पैसेज आया था आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और चलेगा, जल्दी से हम इसके आंसर को देख लेते हैं। तो आप सभी लोग पूरे पेपर का मिलान कर लो। पहला क्वेश्चन जो लिखा था ना, द राइटर हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्पेयर बिकॉज, देखिएगा इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला आ जाता, ही हैड अराइव्ड एंड वन आवर अर्ली, यानी कि एक घंटे पहले वो पहुँच चुका था, इस वजह से उसको वहाँ पर समय था। अगला क्वेश्चन ये था, द राइटर नीड टू रिसिप्ट, तो देखिएगा राइटर को रसीद की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि उसको अपना सामान लेना था, इस वजह से उसको रसीद की आवश्यकता थी। तो दूसरे का राइट आंसर सी आ जाएगा। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द राइटर फेल्ट फूलिश, तो देखिएगा राइटर को मूर्खतापूर्ण महसूस कब हुआ, क्योंकि ही हैड रियली लॉस्ट हिज रिसिप्ट आल, तो यानी कि उसने वास्तव में वो रसीद नहीं खोई थी, तो इस वजह से उसको ऐसा लगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था चौथा, देयर वेर नॉट पीपल वेटिंग द लगेज ऑफ, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा फेव। इसका राइट आंसर ये होता। आप सभी लोग अपने पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आप सब लोगों को ये पता चल सके कि कितने नंबर के आपके यहाँ से सही हुए हैं। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ से देख लो आप लोग पाँचवा क्वेश्चन, द फ्रेश रोड देम डाउन, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाता ये वाला। उसके बाद में छठे नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका डी होता, और सातवें का राइट आंसर आपका ए आ जाता। और देखिएगा आठवें नंबर का जो क्वेश्चन था ना, इसका राइट आंसर आपका सी वाला था, और इसके बाद में नवे का आपका बी वाला था, और दसवें का आपका ए वाला था। तो ऐसे आप सब लोगों को इन क्वेश्चन के राइट आंसर कंप्लीट कर लेने थे। और उसके बाद में देखिएगा नोट मेकिंग समरी आपने जैसा मैंने बताया था इस प्रकार से अच्छे प्रकार से बनाई ली होगी। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आप सभी ने इनको भी अच्छी प्रकार से कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 को 4 को 5 को, ए टू जेड क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे कैसे पूछे गए थे, जिस प्रकार की कि मैंने आपको बताया था। तो आप लोग यहाँ से अपने पेपर का मिलान पूरा कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 जो आया है, आप सब लोग देख लो, पहले में आपको बट लिखना था, सेकंड में आपका ओप आ जाता, थर्ड में आपका सूड आता, इसमें आपका ए आता, दानी आता इसमें, ठीक है। उसके बाद में पाँचवा क्वेश्चन, ही कैन राइट विद हैंड, तो देखिएगा यहाँ पर आपको बहुत लिखना था। उसके बाद में 6 में आपका आ जाता सम। तो ऐसे आप सब लोगों को इन क्वेश्चन को पूरा समझ लेना था। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लें, दे डिड नो इट ऑन इट टाइम, तो देखिएगा यहाँ पर आपको इसको इस प्रकार से बदलना था। तो आप सभी लोगों ने प्यारे विद्यार्थी इस पेपर को बहुत ही अच्छे से किया होगा। जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया था वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें, 10 को देख लें, इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10 ये लिखा है, 11वां क्वेश्चन ये लिखा गया, 12वां लिखा, 13वां दिया गया है, 14वां और 15वां क्वेश्चन ये लिखा है। तो देखिएगा पूरा का पूरा जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा गया था वैसा का वैसे ही मैंने यहाँ से आपको बताया था। आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों, अब आपका जो अगला पेपर है किसका, राजनीति का होगा या फिर आपका जीव विज्ञान का होगा या फिर जो भी पेपर है आपका, उसकी लिंक मैंने यहाँ पर आपको वीडियो में दे दी है, आप लोग उस वीडियो को देख लो और अपने अगले विषय की तैयारी कर लो। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है कि एकमात्र हमारे चैनल पर ही आप सभी को असली वाले क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं, तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लो। तो देखिएगा पूरा का पूरा आपका रियल वाला क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ से आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।